अब बताइए ना, गुड्डू और सुखी का विवाह आप ही ने कराया था, बताइए। हाँ भाई पंडिता, तेरी कमी थी। कितनी दक्षिणा लिया तूने इन लोगों से झूठ बोलने की? राम 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 राम। नहीं जी नहीं, मैं तो कभी भी कहीं भी झूठ नहीं बोलता। चुप, बंद कर अपनी बकवास। अरे इसकी बात सुनकर आप हमारे पे इल्जाम लगा रहे हो? चड्डो जी, बहुत हो गया मजाक, खत्म करो। बहुत हो गया, वाकई बहुत हो गया मान साहब। यहाँ तो गवाह को भी बात नहीं करने दे रहे। एक बार मैं गुड्डो के मुंह से सुनना चाहती हूँ। अगर गुड्डो कहेगी कि उसका ब्याह नहीं हुआ है तो मैं चुपचाप यहाँ से चली जाऊंगी। ना तो हमारी गुड्डो किसी के सवाल का कोई जवाब देगी, ना ही यहाँ से जाएगी। सुना तुमने? इंस्पेक्टर, ले जाओ इन सबको यहाँ से। हाँ बाबा जी, ठीक कह रहे हैं। गुड्डो किसी सवाल का कोई जवाब नहीं देगी, वो कहीं नहीं जाएगी। आप जा सकते हैं। चलिए पंडित जी, चलिए प्लीज चलिए। ठीक है, वाजिबा, मैं नहीं जानती थी कि इस घर में सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे। दूसरों को चोर कहने वालों के मन में खुद चोर है, या सब के सब झूठे। दिखा दी अपनी फितरत। ना बंद कर, अपनी इस वीरजी को माफ कर दे गुड्डू। आज तेरे चार चार भाई होते हुए भी तेरी आंखों में आंसू, ये हमारी सबसे बड़ी हार है। 19 साल तूने हमें राखी बांधी, और इस राखी का कर्ज हर भाई का सबसे बड़ा फर्ज होता है। और आज तेरा ये रणबीर वीरजी अपना ये फर्ज निभाएगा। तू अपने घर जाएगी गुड्डू, मैं तुझे विदा करूंगा आज और अभी।